अभी सोची नहीं थी कि मेरा बेटा विदेश जाएगा आज जीत के आया तो ज्यादा ही खुशी लग रहा है क्या खिलाते थे आपका बेटा को मैं तो मार भात खाती थी खिचड़ी उचड़ी बना के खिलाती थी सलाद चटनी ही सब चलता था मेरा घर में अभी भी वही चलता है आज जो विकास आ रहे हैं तो आप क्या आप प्लान किए हैं विकास का शादी कब कराएंगे सर शादी के लिए तो सोची नहीं हूँ अच्छा। कैसे <laughs> अब मेरे बच्चे बोलते हैं शादी के लिए कभी सोचना मत मतमा बोलती हूँ मैं एक ही मड़वा में शादी करूंगी मैं अच्छा, अच्छा। एक कारूं... ही मड़वा में चारों का शादी हाँ हम हाँ, हाँ, जब भी करूँगी तो वही सोची हूँ जॉर्डन में आयोजित कुश्ती चैंपियनशिप जो विकास कश्यप ने जीत जीता पदक और उन्हीं विकास कश्यप के मम्मी से बात करेंगे किस प्रकार से संघर्ष करके अपना बेटे को पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा कुश्ती में बढ़ा करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेके अपना जीत करके पूरा झारखंड का नाम रोशन कर रोशन कर लिया तो सबसे पहले इनकी माँ से बात करेंगे जोहार हाँ जोहार आपका नाम क्या है मेरा नाम है सुखमणी त्रिथी अच्छा आपको पता है कि नहीं आपका बेटा जो विकास कक्षप है पूरा देश में उसका चर्चा चल रहा है अभी पता है अच्छा पता है हमको कोच ने बताया कि आपका बेटा जीत लिया है बोल के दिल्ली में है अभी बबलू सर उसने बताया कि आपका बेटा जीत कितना खुश हैं आप बहुत खुश हैं क्या करते थे आप पहले मैं तो इसी में झाड़ू पोछा करती हूँ अच्छा यही स्टेडियम में आई ही स्टेडियम में जैसे कि उसका माँ जो है बता रही है कि यहीं पर झाड़ू करते थे और इसी तरह संघर्ष करके उसको जो है इतना आगे बढ़ाया और पढ़ाया अच्छा आपका कितना बेटा है बेटी है तो? मेरा तीन बेटा है एक बेटी है अच्छा तो विकास का पापा भी है कि नहीं है नहीं है अच्छा बहुत पहले गुजर गए तो आप कैसे संघर्ष करके उसको जो इतना आगे पढ़ाए मैं तो यहीं रल्ला के बच्चों को पाली बढ़ाई फिर जब सी का हुआ सिलेक्शन हो रहा था झारखंड सरकार निकाली, निकाला जैसे पी वाला खेल अकेडमी तो उसमें सेलेक्ट हुआ तो सरकार ने ही मेरा बच्चा को पढ़ाया लिखाया और अभी काबिल बनाया कोच मेहनत किया बच्चा भी और कोच भी साथ दिया जिसके चलते अभी मेरा बच्चा आगे बढ़ा अच्छा ये जो आप झाड़ू पोछा लगाते हैं स्टेडियम में कब से लगाते हैं हम तो 2007 में आए हैं बगैर एक साल उधर किए फिर 2008 से इधर करना शुरू किया तो उसी से आपका पूरा जिंदगी चल रहा है या आ, उसी इसी से? भरोसा में अपना परिवार अपना घर जैसे सम, समझ के मैं इसी में लगी रही अच्छा। कहीं नहीं गई इधर उधर कहे क्योंकि वो विकास छोटा था चार पाँव से चलता था लाए थे उस समय तो मैं तो हाथ से और कहनी से चलता था फर्स्ट लाई थी उस समय अच्छा जो उसका पापा बहुत दिन से ही नहीं है हाँ बहुत दिन से है उसका पापा नहीं है फिर भी आपने इतना संघर्ष करके आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था प्रॉब्लम तो बहुत होता था लेकिन उसको मैं अपने आप सॉल्व कर लेती थी हर चीज़ का प्रॉब्लम होता था लेकिन यहाँ रह के मैं तो क्या कहूँ नहीं नहीं रहता है पर भी आदमी अपने आप को संभाल ही लेता है अच्छा विकास जितने के बाद आपके पास आया कि नहीं मिलने के लिए अभी नहीं आया है आज एयरपोर्ट आ रहे हैं तब तो फ़ोन किए थे बोले कि पाँच बजे आ जाइएगा एयरपोर्ट हम आ रहे हैं बोल के तो सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को यही बोलना चाहती हूँ कि सरकार फिर से मदद करे तो मेरा बच्चा और आगे बढ़े क्योंकि अगर हो सके मदद करे तो मैं तो घर भी नहीं है घर अगर दे देते तो अच्छा आपका घर भी नहीं है नहीं है सर गांव में भी घर नहीं है मेरा कहाँ रहते हैं तो हम यहाँ पंडरा में रहते हैं अच्छा। 2012 में हम चल गए यहाँ पंडरा के पास वहाँ रहने लगे और वहीं से आना जाना करती हूँ पहले तो यहीं रहती थी तो यहाँ हुआ था कि तैतीसवा नेशनल गेम हुआ तो रूम खाली करना पड़ा तो मैं उधर रह, जाके रहने लगी डेरा में रहते हैं जी नहीं अपना ही रिलेटेड है कोई नहीं रहता है तो अब हम मैं बोले कि मैं रहूँगी अभी अच्छा। तो मैं दस साल का एग्रीमेंट कराई उसके बाद में रहने लगी अच्छा। और पार भी हो गया लेकिन हम मैं बोले कि मेरा बच्चा लोग जब तक थोड़ा बड़ा नहीं बढ़ेगा मैं खाली नहीं करूँगी जैसे कि विकास के मम्मी कितना संघर्ष करके अपना विकास को इतना बढ़ाया और इतना यहाँ वहाँ सोचो जान ही रहे हैं कि जैसे कि बताए कि विकास का घर भी नहीं है तो इसका रिलेशनशिप में जो है वहाँ पर रहती थी और किसी तरह अपना जीवन पाल ये जो पूछा करती है इसी के दौरान ही इसका जीवन चलता है और जान ही रहे हैं कि हमारे झारखंड का नाम पूरा रोशन ही हो रहा है चाहे ना संताल परगना से हो चाहे ना राजधानी रांची से हो चाहे ना उपराजधानी से हो तो कहीं ना कहीं हमारा झारखंड जो है डेवलप होने लगा है और झारखंड का नाम रोशन होने लगा है तो आज कितना बजे आएंगे आपका बेटा छः बजे एयरपोर्ट में आ जाएंगे सबसे पहले आपका बेटा को क्या बोलेंगे मैं आशीर्वाद दूंगी क्या बोलेंगे <laughs> मिठाई उठाई खिलाएंगे ना खिलाएँगे कि मेरा बेटा विदेश से आ रहा है तो कितना खुशी की बात है सपना मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरा बेटा विदेश जाएगा अच्छा। कभी सोची नहीं थी लेकिन जब चले गए तो बहुत खुशी लग रही है मैं पड़ोस में भी बोलती हूँ मेरा बेटा विदेश अच्छा, आप पहले सोचे थे कि मेरा बेटा इतना आगे निकलेंगे सोचे तो थे लेकिन इतना आगे गया मतलब जा रहा है तब हमको पता चला कि आज मेरा बेटा जा रहा है पहले तो सोची थी कि खेल में रहेगा कुछ करेगा लेकिन आज जीत के आया तो ज़्यादा ही खुशी लग रहा है क्या खिलाते थे आपका बेटा को मैं तो मार भात खाती थी खिचड़ी उचड़ी बना के खिलाती थी सलाद चटनी ही सब चलता था मेरा घर में अभी भी वही चलता है <laughs> जैसे कि विकास का मम्मी बता रही है कि माड़ भात खिचड़ी वही सब खाते खाते जो विकास अब इतना आगे निकल गया और पूरा झारखंड का नाम रोशन किया है पूरा देश का नाम रोशन किया है और क्या बोलना चाहेंगे हमारे देशवासियों को हमारे देशवासियों के सबके लिए बधाई देती हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए बधाई देती हूँ सरकार के लिए भी बधाई देती हूँ अच्छा जो। आज जो विकास आ रहे हैं तो आप क्या आप प्लान किए हैं विकास का शादी कब कराएंगे सर शादी के लिए तो सोची नहीं हूँ अच्छा। <laughs> कैसे अब मेरे बच्चे बोलते हैं शादी के लिए कभी सोचना मत बोलते नहीं अभी मेरे चारों बच्चों को मैं बोलती हूँ एक ही मड़वा में शादी करूंगी मैं अच्छा, अच्छा। एक, एक ही मड़वा में चारों का शादी हाँ, हाँ हम जब भी करूँगी तो वही सोची हूँ अच्छा अच्छा और अच्छा। सर अच्छा। चारों बच्चे मेरा अपना काबिल में आ जाएंगे तब शादी करूंगे यानी की चार बच्चा काबिल में आएंगे और एक ही मड़वा में शादी हाँ एक ही मड़वा में मैं करूँगी शादी कभी भी करूँगी तो एक ही मड़वा में करूँगी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद <laughs> आप लोग से मिलके भी <laughs>